पप्पू स्कूल में एक लड़के से बोला, आई लव यू। अब तुम मुझे बोलो लड़की। मैं अभी जाकर सर को बोलती हूँ। पप्पू, पगली, सर को मत बोल, उनकी तो शादी हो गई है। एक लड़की डॉक्टर के पास पहुंची और बोली, डॉक्टर साहब, मैं कुछ ज़्यादा शराब पीने लगी हूँ, और जब कुछ ज़्यादा पी जाती हूँ तब जो भी व्यक्ति सामने आ जाता है उससे प्यार करने को जी चाहता है, कोई इलाज बताइए। डॉक्टर बोला, यह तो बड़ी अजीब बात है मिस, पर चलिए पहले एक एक पैग लगाते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। एक बतौनी महिला डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई। डॉक्टर महिला से, आपको कोई तकलीफ नहीं है, बस आराम की जरूरत है। महिला, लेकिन आपने मेरी जुबान तो देखी ही नहीं। डॉक्टर, उसे भी आराम की जरूरत है। एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर मरीजों की लाइन लगी थी। जब कोई आदमी आगे जाता उससे लोग पकड़ के पीछे खींच लेते। एक आदमी कई बार आगे जाने की कोशिश किया पर उसे भी लोगों ने पीछे खींच लिया। दो तीन बार पीछे खींचे जाने के बाद वो आदमी चिल्लाया, सालो लगे रहो लाइन में, मैं भी आज क्लिनिक नहीं खोलूंगा। एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा था, उसे देखकर दो डॉक्टर आपस में झगड़ने लगे। पहला डॉक्टर, लगता है उसके पैर की हड्डी टूट गई है। दूसरा डॉक्टर, लगता है उसका अंगूठा टूट गया है। दोनों में काफ़ी बहस हो रही होती है तो तीसरा डॉक्टर बोलता है, चलो उससे ही पूछ लेते हैं। डॉक्टर, क्या तुम्हारे पैर की हड्डी टूट गई है? व्यक्ति, नहीं, मेरी चप्पल टूटी हुई है।